सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वी डेवलपमेंट अपडेट एट अब ओवर जंक्शन। तो गाइज, काफ़ी टाइम से डिमांड आ रही थी और डिमांड की क्या बात गाइज, मेरे को खुद को डाल देनी चाहिए थी ये वीडियोस, लेकिन गाइज ये मैं 3-4 महीने से रिकॉर्ड नहीं कर रहा। उसका रीज़न भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। और गाइज, तो सबसे पहले देखिए, आपको मैं अपडेट दिखाता हूँ जो न्यू ट्रैक का मैं जो दिखा रहा था, और उसके बाद मैंने कोई अपडेट नहीं डाला था मेरे ख्याल से 3-4 महीने हो गए। तो पहले न्यू ट्रैक का ही दिखाता हूँ उसका क्या सीन चल रहा है। तो गाइज, अब मैं आपको न्यू ट्रैक के बारे में बता देता हूँ। गाइज ये देखिए, यहाँ पे गाइज वो ये ट्रैक स्विच का काम होना अभी भी पेंडिंग है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे साइड में खुदाई चल रही है और ये पता नहीं क्या काम चल रहा है। और यहाँ पे गेट लगा के ताला लगा दिया है कतई, भाई अंदर पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ भाई। और यहाँ पे एक देखिए गाइस, वहाँ पे भी जगह को प्लेन कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे थर्ड ट्रैक बन रहा हूँ। वहाँ देखिए एक और ट्रैक, पर नहीं, मेरे ख्याल से वो रोड है भाई। वहाँ पे बाइक, वहाँ पे रोड बना रहे हैं, मतलब इधर से स्टेशन जाना इजी हो जाएगा। ये जो अजीमगढ़ रोड है, यहाँ से इजी हो जाएगा एकदम से जाना। ये मेरे ख्याल से या तो रास्ता बन रहा है, पर प्लेन कुछ ऐसे किया था जैसे ट्रैक बन रहा हो, पर नहीं, मेरे ख्याल से रास्ता ही बन रहा है गाइस। और बस यहाँ के अपडेट में तो इतना ही है। और ये ट्रैक गाइस काफ़ी हद तक बन चुका है और बस एक ट्रैक स्विच का काम कर देंगे तो ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे भी जॉइंट्स अभी करना बाकी है। तो गाइस अभी थोड़ा यहाँ पे स्टेशन का दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर क्या क्या काम हुआ है। तो गाइस जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा नोटिसेबल जो काम है वो इधर हुआ है गाइस। ये देखिए, ये कुछ स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है गाइस। और गाइस जहाँ तक सुनने में आया है, ये जो मटेरियल था इसका, ये जो लाल कलर के डंडे जो लगाए गए हैं इसका, ये काफ़ी टाइम से आ रखा था। वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा कि वहाँ पे मटेरियल पड़ा है जहाँ से मैं अक्सर आता हूँ स्टेशन पर, उस एंट्री पर पड़ा है ये। और गाइस वहाँ पे नई रोड बन रही है जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था। और पहले मेरे को लगा था वो ट्रैक है, पर अभी वो मेरे को रोड की तरह लग रहा है। और अभी गाइज 14735 आ रही है, उसका आपको होंक सुनाई दे रहा होगा। और गाइज एक और चीज़, जितने भी ये लगाए गए थे अपने कोच इंडिकेटर, इनके ऊपर आप देखिए ये लगा दिया गया है स्पीकर, मतलब जिससे अनाउंसमेंट होती है। तो कुछ एक्स्ट्रा स्पीकर्स लग गए हैं मतलब, और कईयों के ऊपर ही लगाया गया है ये। और गाइज इधर को जैसे आप देख सकते हो कि इधर भी सेम काम चल रहा है, लेकिन इधर पूरा नहीं हुआ है काम, इधर काफ़ी काम अभी पेंडिंग है इस साइड। और गाइज अभी ये कंफर्मेशन नहीं है, ये काफ़ी टाइम से मेरे को ये जो फाउंडेशंस बना रहे थे, मेरे को लग तो ऐसे ही रहा था कि जैसे कोई मतलब ऊंची चीज़ खड़ी करेंगे, और हो भी वही रहा है। और जहाँ तक हमें मेरी नॉलेज है, मेरे को लग रहा है ये फुट ओवर ब्रिज बन रहा है या फिर लिफ्ट बन रही है गाइज, ऐसा ही कुछ सीन है। और कुछ मेरे को उम्मीद नहीं है, यहाँ पर कुछ और बनेगा। और गाइज ये 14735 आ चुकी है। और गाइज इसकी ऑक्यूपेंसी जो है ना गाइज, मतलब काफी अच्छे पैसेंजर, मतलब अब ओवर की थर्ड नंबर की ट्रेन लगती है मेरे को ये। इस पे जो जिस लेवल की ऑक्यूपेंसी से मिलती है, तो मेरे को ये अब ओवर की थर्ड नंबर की सबसे ज्यादा हाई ऑक्यूपेंसी वाली ट्रेन लगती है। पहले पे ऑफ कोर्स दैनिक एक्सप्रेस सराय रोहिला और हरिद्वार, सॉरी माफ करना, ऋषिकेश इंटरसिटी है ये, चौथे नंबर पर है एक्चुअली, तीन नहीं। और वही इसके साथ अपनी स्कूल बस लग के आई है टीकेडी से। और ये गाइस देखिए गाइस, स्टेशन का ये लुक तैयार कर दिया गया है, लेकिन ये मैं आपको पीछे से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर हम सामने से जाएंगे तो वहाँ पर एक पेड़ है, तो उसके कारण से व्यू नहीं दिखता। तो अच्छी बात है पेड़ नहीं काटा अभी तक, पर मेरे को लगता है गाइस पेड़ काट देंगे, मतलब इतना ये इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखते, मेरे को लग रहा है काट देंगे, मतलब अगर स्टेशन का व्यू बनाना है तो। जब काम एकदम से पूरा हो जाएगा 100%, कुछ इनॉग्रेशन वगैरह करवाएंगे हमारे मोदी जी से, तो उसके बाद कुछ होगा, लेकिन अभी के लिए वो पेड़ नहीं काट रहे हैं, पर हो सकता है। और ये देखिए गाइस, लग तो मस्त रहा है भाई, पहले कलर वगैरह नहीं किया था इसलिए इतना अच्छा नहीं लग रहा था, मस्त लग रहा है भाई। और रीडेवलपमेंट के नाम पे गाइस स्टेशन की बिल्डिंग तो इन्होंने मस्त बना दी है, वो तो गाइस मानना पड़ेगा। और अब आपको आगे लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए, मैं कह रहा था ना कि वो जो मटेरियल है वो खड़ा करने के लिए वो आ रखा है, वो यहाँ से अब उठा के वापस लेकर जा रहे थे कुछ मटेरियल, और
काफ़ी चला भी गया था, मैं जब आ रहा था स्टेशन तो ट्रक से काफ़ी मटेरियल चला गया था। ये देखिए गाइस, यहाँ पे पड़ा रहता था, पूरी ये जगह भर रखी थी। और लेकिन और जैसे कि ये आमने सामने बनाए गए हैं, तो हमारे आर्यन भाई आए थे मलोट से, उन्होंने बताया था कि भाई ये लिफ्ट या वो ही बन रही है फुट ओवर ब्रिज अपना, तो वही सीन है भाई, क्योंकि आमने सामने एकदम सिमेट्रिकल बनाए गए हैं। और ये रोड की मैं बात कर रहा था, न्यू बनाई जा रही है, कच्ची है अभी तो, खैर इसे पक्का कर देंगे मेरे ख्याल से। स्टेशन जाना आसान, स्टेशन से बाहर निकलना आसान हो जाएगा। और ये देखिए गाइस, ये कुछ बाहर का दृश्य आपके सामने, और आप देख पा रहे हैं एंट्री गेट को एकदम मस्त बना रहे हैं, और देखेंगे कैसा बनेगा। अभी तो गाइस ये देखिए, ये लुक भाई एकदम भाई चुम्मी लेने का मन करता है। और ये देखिए, ये पेड़ दिख रहा है, उसके कारण, पेड़ के कारण सामने का व्यू नहीं दिख रहा वो मंदिर का। बाकी तो गाइस ये मतलब क्या, एकदम एयरपोर्ट वाली फील तो दे ही रहा है भाई, मज़ेदार है। और अभी आपको थोड़ा अंदर का दिखाता हूँ, अंदर का क्या सीन चल रहा है। और देखिए यहाँ पे एक शेड डाल दिया है, अगर बारिश वगैरह आ जाए तो पैसेंजर यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। एक बार मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। ये देखिए गाइज, ये LED लगा दी गई है ट्रेन के टाइम के लिए। तो गाइज यहाँ पर देखिए, सामने जो बेंच हुआ करते थे, बेंच की जगह गाइज ये इन्होंने एक लॉबी टाइप सी बना दी गई है। यहाँ पर बैठने के लिए भी ज़्यादा स्पेस है, और टाइलों वाले बेंच लगा दिए गए हैं, मतलब नीचे सीमेंट भर के ऊपर टाइलें लगा दी, तो बेंच चोरी होने का डर भी नहीं रहेगा। ठीक है, बेंच चोरी नहीं होते, मजाक कर रहा हूँ। और गाइज यहाँ पर देखिए, एकदम एयरपोर्ट वाली वाइब तो आ ही रही है। और ये जो LED है, ये गाइज उस दिन पता नहीं क्या हो रखा था इसको, ये जो है मतलब इस पर भाई गाइज अजीब सा इस दिन दिखाई दे रहा था। वैसे रेगुलरली ये सही चलती है, अभी ये ऐसे ख़राब सी दिख रही थी, इसलिए मैंने फ़ोटो खींची। और गाइज मतलब काफ़ी भाई, एक नहीं काफ़ी सारी LEDs लगाई गई है, मतलब बहुत जगह पे काफ़ी काम हुआ है। और कोच इंडिकेटर गाइज, मेरे को तो पर्सनली यही काम पसंद आया है, और बार बार हेल्प लेने नहीं जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ट्रेन का नंबर दिखा दिया करेगा। और ये काफ़ी जगह पर, एक दो नहीं काफ़ी जगह पर लगाई गई है, दो नंबर प्लेटफॉर्म पर भी, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर भी छोटी छोटी काफ़ी LEDs लगाई गई है, ये काम सबसे बढ़िया। और काफ़ी नए स्पीकर्स भी लगाए गए हैं अनाउंसमेंट के लिए। तो गाइज़ ये जो काम है एकदम बेस्ट है गाइज़, मतलब कोच इंडिकेटर अभी ऑन नहीं हुए, और इलेक्ट्रिसिटी का काम अभी पेंडिंग है। बाहर भी गाइज़ काफ़ी जो नई लाइट्स लगाई गई है, काफ़ी सारी न्यू लाइट्स है, उनका भी ऑन होना पेंडिंग है। तो अभी इलेक्ट्रिसिटी का शायद थोड़ा काम पेंडिंग होगा, और मतलब एकदम जब इनॉग्रेशन करेंगे, एकदम जब काम कंप्लीट हो जाएगा, मेरे ख्याल से कोई टारगेट डेट होगी इनकी, एक साथ इनॉग्रेशन होगा इस वर्क का, मतलब का चीज़ें काम करना शुरू करेगी बाद में, तो तभी से ही चालू होगा। अभी तो खैर कुछ काम नहीं कर रहा है, अभी तो मेरे ख्याल से जो न्यू टॉयलेट बनाए गए हैं उनके अंदर भी एंट्री अलाउड नहीं होगी गाइस, पुराने से ही काम चला रहे होंगे, और तो क्या है। और गाइस अब हम बात करने वाले हैं सबसे बेतुका काम, जो हो सकता है लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये होगा या नहीं, और अगर हुआ तो गाइस ये बहुत बेतुका होगा। गाइस लिफ्ट, लिफ्ट की क्या ज़रूरत है यार, जितने भी लोग अबोहर से हैं आप मेरे को सच में बताओ कि क्या अबोहर स्टेशन को लिफ्ट की मतलब कोई इतनी बहुत बड़ी नीड है। जैसे बठिंडा जैसे स्टेशन पर 6-7 प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है तो अच्छी बात है, वहाँ पे यूज़ भी होती है, और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे मतलब बार बार चढ़ना मुश्किल होता है। लेकिन गाइज़ यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है इतना, और मोस्टली ट्रेनें 90% ट्रेनें एक नंबर प्लेटफॉर्म पर ही आती है, तो गाइज़ मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन हो सकता है गाइज वो फुट ओवर ब्रिज ही बन रहा हो, हम ये भी तो श्योर नहीं है। और अगर ये फुट ओवर ब्रिज बन रहा है, जो कि मेरे को लग रहा है कि गाइज ये फुट ओवर ब्रिज ही है, क्योंकि साइड से ऐसे चढ़ के आएगा और मोटा सा फुट ओवर ब्रिज काफ़ी चौड़ा बनाया जाएगा गाइज। और जहाँ तक बात रही लिफ्ट की, वो मेरे को इसलिए लग रहा है गाइज क्योंकि जब अमृत भारत योजना का आया था तो उसमें लिफ्ट का जिक्र साफ तरीके से किया गया था गाइज, तो मैं एक्साइटेड हूँ ये चीज़ क्या बन रही है ये देखने के लिए। क्योंकि गाइज अगर फुट ओवर ब्रिज है तो बेस्ट है गाइज, चौड़ा फुट ओवर ब्रिज, लेकिन लिफ्ट की इतनी ज़रूरत नहीं है। मतलब देखिए फालतू में गाइज हमारा ही पैसा है, इतना लिफ्ट बना के क्या इतना खर्चा करना, और गाइज ख़राब कर देंगे गाइज हमारे यहाँ के लोग ऐसे हैं, माफ़ करना मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ के लोग सच में ऐसे हैं गाइज, ये ऐसे बार बार घुसेड़ घुसेड़ के ख़राब कर देंगे एकदम लिफ्ट को, मतलब लेनी देनी कर देंगे, खैर छोड़िए मजाक कर रहा हूँ। और गाइज मैं रोज़ रात को चेक करने ज़रूर जाता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है, रोज़ मैं एक वॉक लेने जाता हूँ रात को, तो यहाँ पे मैं जाके देखता हूँ हो क्या रहा है। तो अब ये जब डंडे लगे इसलिए मैंने अब ये वीडियो बनाई, और मैं जो वीडियो की स्टार्टिंग में कह रहा था मेरा मूड नहीं था, वो इसलिए ही था नहीं था पहले ये अपडेट देने का, क्योंकि गाइज बाहर की बिल्डिंग ऑलमोस्ट कम्प्लीट थी, और वो हमारे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो अबोहर में आते हैं उन्होंने दिखाई दिया था, तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने
ये अपडेट मैं अपनी तरफ से लेट लेके आया हूँ ताकि इस काम की क्लियरिटी हो जाती। ये जो लंबे से डंडे लगाए गए हैं ये मेरे ख्याल से फुट ओवर ब्रिज के लिए ही है गाइस। और अब थोड़ा आपको मैं यार्ड साइड का अपडेट दे देता हूँ, वहाँ पर क्या सीन चल रहा है, वहाँ पर भी काम हो रहा है। ये देखिए भाई, काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इधर, एकदम प्लेन कर रहे हैं जगह को। और यहाँ पे भी मैं पहले कहा करता था कि न्यू ट्रैक बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर गाइस हज़ारों की तादाद में स्लीपर्स आ गए थे, और मतलब जो ट्रैक के नीचे जो होते हैं स्लीपर्स, उनकी बात कर रहा हूँ, वो आ गए थे। तो मेरे को लग रहा था ऐसे कि यहाँ पे न्यू ट्रैक बनेगा और काफ़ी काम चल रहा था इधर। और ये गाइस खैर आगे 14525 आ रही है, जो कि क्लिप मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि गाइस वो मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, बहुत कंजूस हूँ मैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।